शुक्रवार सुबह कानपुर हत्याकांड के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर की खबर सामने आई। कई लोग ने इस कहानी के पूरी फिल्मी होने की बात शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद प्रोड्यूसर संदीप कपूर ने मनोज वाजपेयी से इस पूरे मामले पर एक फिल्म करने तक की बात कह डाली। प्रोड्यूसर ने इस ट्वीट के बाद से ही मीडिया में ये खबर आने लगी कि मनोज वाजपेयी जल्द ही इस पूरे मामले पर फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें वह विकास दुबे का किरदार निभाएंगे। लेकिन अब मामला कुछ और ही निकला है। प्रोड्यूसर संदीप कपूर ने ट्वीट किया, जो भी आज एनकाउंटर में हुआ वो सिनेमा से कम नहीं है। मनोज वाजपेयी कैसा रहेगा अगर आप अपनी अगली फिल्म में विकास दुबे का किरदार निभाएं? आप इस रोल में कमाल कर देंगे। हालांकि प्रोड्यूसर ने अब इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद से ही कई लोगों ने ये खबर बनानी शुरू कर दी कि मनोज वाजपेयी इस पूरे मामले पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद खुद मनोज वाजपेयी को ये बताना पड़ा कि ये गलत खबर है। मनोज वाजपेयी ने ट्वीट किया, गलत खबर। बता दें कि 2 जुलाई की रात विकास दुबे ने अपने लोगों के साथ मिलकर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया था। इस हमले में क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद विकास दुबे अपने लोगों के साथ फरार हो गया था। 9 जुलाई को ही उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर विकास दुबे को पकड़ लिया गया था। उसे कानपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम कानपुर ला रही थी, तभी गाड़ी पलट गई और विकास दुबे हथियार छीनकर भागने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे भी मारा गया। तो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।